हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए कोई भी डिश नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि हरी मटर को मैंने अपने फ्रीजर में कैसे स्टोर करके रखा है। मटर तो सभी को बहुत ही पसंद होती है, जब इसका सीजन चला जाता है तो आप इसे कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। मैं बहुत सारी हरी मटर को स्टोर करके रख चुकी हूँ और आइए आपको बताती हूँ मैं। ये मैंने हरी मटर के दाने लिए हैं, ये लगभग 2 किलो होंगे। मैंने एक बड़े से भगोने में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए और ये देखिए लगभग गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं सारी छिली हुई मटर को डाल दूंगी इस गर्म पानी में। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, सारी मटर को यहाँ पे डाल देंगे। मैंने सारी मटर यहाँ डाल दिया है। अब इसे गैस को फुल करके एक उबाल आने तक मुझे उबालना है और इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, कोई केमिकल भी नहीं डाल रही हूँ। आप चाहिए तो यहाँ चीनी डाल सकते हैं, चीनी से ये होगा कि मटर थोड़ी मीठी रहेगी बनाते वक्त। ये देखिए एक उबाल आ चुका था और मेरी मटर यहाँ पे उबल चुकी है, इसे मैं अब निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने बड़ी सी एक छन्नी ली है और इसके नीचे मैंने एक बाउल रखा है जिसे छन्नी से सारा पानी मटर का निकल जाएगा और उस बाउल में चला जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बड़ी सी छन्नी से लेकर के दूसरी छन्नी में डाल रही हूँ और इसे ऐसे सारी मटर को मैं निकाल लिया यहाँ पे। अब इसके ऊपर मुझे बिल्कुल ठंडा पानी डालना है, फ्रीजर का पानी हो या फ्रिज का पानी हो, मैं इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ जिससे ये ठंडी हो जाए मटर पूरी तरह से। यहाँ पे ठंडा पानी से ये होगा कि मटर का कलर मेरा ग्रीन ही रहेगा। कोई भी डिश मैं बनाऊंगी तो मटर ग्रीन ही रहेगा, इसका कलर नहीं जाएगा और काफी दिनों तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे 6 से 7 मंथ तक मैं स्टोर करके वैसे मटर को रख लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ मैं मटर को थोड़ा ठंडा और होने दूंगी कि सारा पानी इसका निकल जाए पूरी तरह से। ये देखिए मटर का सारा पानी निकल चुका है, मटर सूख चुकी भी है पूरी तरह से। अब मैं यहाँ पे इसको पैक कर लेती हूँ पैकेट में। आपको पैकेट दिखा रही हूँ, ये मेरे नॉर्मल पैकेट हैं जिसमें सब्जी आती है मार्केट से। आप चाहिए तो मार्केट से जिप वाली भी पैकेट ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था मैंने इसी को यूज कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे नॉर्मली पैकेट में भी इसको यूज कर सकते हो। अब मैं इस पैकेट में सारी मटर को डालूंगी। आप चाहिए तो 2-3 पैकेट करके आप बना सकते हो इस तरह के, जिससे ये होगा आपको जितना यूज करना होगा मटर को आप उतना ही निकालना, जिससे हवा नहीं लगेगी तो मटर हमारी जल्दी खराब नहीं होगी। यहाँ मैंने 2 पैकेट बनाया, एक छोटा पैकेट बनाया, एक थोड़ा बड़ा पैकेट बनाया। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड कर लूंगी अच्छी तरह से। फोल्ड होने के बाद ये देखिए फोल्ड हो गया है। अब यहाँ मैं रबर बैंड लगा दूंगी जिससे हवा बिल्कुल भी इसके अंदर ना जा सके। ये मेरी रबर बैंड है और इसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने रबर बैंड इसमें लगा दिया है। अब इस पैकेट को मैं एक पैकेट में और डालूंगी, ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा, कहीं से हवा इसमें पास नहीं होगी। और मैंने इसको भी इसमें डाल दिया है, ये देखिए इसको भी मैं पैक कर लूंगी। ये मेरे पास एक पैकेट और था तो ये थोड़ी छोटी पैकेट है मटर की, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी इसी पैकेट में डाल देती हूँ। तो इसको भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ अच्छे से पैक करने के बाद, मैं इसको भी इसमें डाल दिया है। ये देखिए ये दोनों को मैं एक साथ डालूंगी, तो जितना मुझे यूज करना होगा मैं उतना पैकेट इसमें से निकाल लूंगी, छोटे वाले पैकेट में पहले निकाल लूंगी। अब इसे अच्छी तरह इसको भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए मैं फटाफट इसको फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ मैं रबर बैंड ना लगा के बल्कि एक गांठ लगा दूंगी। ये देखिए मैं यहाँ गांठ लगा रही हूँ। बड़ी मुश्किल हो रही है गांठ लगाने पे। ये देखिए मैंने गांठ लगा दिया है और इसको बिल्कुल मैं टाइट कर दी हूँ कि कहीं से हवा ना निकले। और ये मेरा पैकेट बनके रेडी है और ऐसे ही मैं इसको फ्रीजर में डाल दूंगी। अब तो चलिए फ्रेंड इसको फ्रीजर में डाल देते हैं।
और इस पैकेट को चलते हैं हम फ्रीजर में रख देते हैं। चलिए फिर मेरे फ्रीजर में देखिए मैंने यहाँ पे कितनी सारी मटर को स्टोर करके रख चुकी हूँ और इसे भी मैं स्टोर कर देती हूँ यहाँ पे। और जब सीजन चला जाएगा, जब मुझे हरी मटर खानी होगी, तो फिर मैं यहाँ से इसको निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, आपको ये टिप्स कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय अगली वीडियो के लिए।